नमस्कार दोस्तों, आज हम जो सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं आपके पास, साइंस सब्जेक्ट है 10th क्लास के लिए। और आज हम CBSE क्वेश्चन पेपर 2018 में जो साइंस का पेपर 10th क्लास का आया था उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। बाकी आप देखते हैं कि जो भी थ्योरी क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको ईज़िली आपकी जो रिफ्रेशर बुक्स होती हैं या आपकी NCERT बुक्स होती हैं वो ईज़िली फाइंड आउट हो जाती हैं। तो हम जो है आज न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पीपल फाइंड इट समटाइम डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दोज क्वेश्चन एंड समटाइम स्टैंडर्ड क्वेश्चन आर नॉट इवन इन द बुक्स। सो सम मॉडिफिकेशन आर देयर वैन क्वेश्चन आर बींग आस्क्ड इन द एग्जाम्स। सो वील ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो लेट अस कंटिन्यू। तो आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं, ये क्वेश्चन पेपर 2018 का है, साइंस सब्जेक्ट का है, और ये 3 घंटे का है जिसमें 80 मार्क्स आपका मैक्सिमम है। थ्योरी पेपर है ये, और इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे कि पहले में दिया हुआ है इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल एक थ्योरी क्वेश्चन है, जबकि ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑल्सो अ थ्योरी क्वेश्चन। तो वी विल जस्ट गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चन वेयर न्यूमेरिकल्स आर बीइंग आस्क्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू सी दिस इज़ दी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम कवर करने की कोशिश करें, जिसमें लिखा है, आप 6 क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यह दर्शाइए कि 3 प्रतिरोधकों, प्रतिरोधक मीन्स रेजिस्टेंस, जिसमें प्रत्येक का अवरोध 9 ओम है, को आप किस प्रकार संयोजित कर सकते हैं, मीन्स किस तरह आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, एक तो 13.5 हो जाए यानी कितना रेजिस्टेंस हो जाए, और प्रतिरोध आपका 6 हो जाए। इसका क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स। तो 3 रेजिस्टर्स को आपको ज्वाइन करना है, ईच ऑफ इक्विवेलेंस 9 ओम। तो हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो 9 ओम का है, सो दैट द इक्विवेलेंट, यानी कि जो टोटल इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस आ जाता है आफ्टर कंबाइनिंग 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 9 ओम, एक तो आपका 13.5 आ जाए और एक आपका 6 ओम आ जाए। उसको हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो ये है 6 है, और इसके आपको एक रेजिस्टेंस दिया है, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 9 ओम, सपोज दैट इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस R1। सिमिलरली अदर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ऑफ 9 ओम एंड थर्ड रेजिस्टेंस R3 इज ऑल्सो 9 ओम। तो आपके 3 प्रतिरोध दिए हुए, R1 9 ओम, दूसरा 9 और तीसरा भी 9 ओम। को हम कोशिश करेंगे इसको फाइंड आउट करने की किस तरह से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि हम दो तरह से किसी भी रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड होता है दैट इज़ अ पैरेलल मेथड। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे पैरेलल मेथड में किस तरह से रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया जा सकता है और कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड हमारे पास जो होता है वो होता है सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो प्रतिरोध आपके होंगे वो सीरीज में होंगे यानी क्रमबद्ध तरीके से होंगे, जबकि अगर हम पैरेलल कहते हैं तो पार्श्व क्रम में होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस है इन सीरीज। तो हम देखेंगे किस तरह पैरेलल में होता है, किस तरह से सीरीज में होता है, राइट। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम देखते हैं, पहले रेजिस्टेंस इन पैरेलल या पार्श्व क्रम में प्रतिरोध, प्रतिरोधक। तो मान लीजिए आपके पास दो रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसको ऐसे, एक रेजिस्टेंस R1 है और इसको मैं R2 कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, अगर इसको मैं इस तरह से कंबाइन करता हूँ, कंबाइन इस तरह से किया जाता है कि अगर हमें किसी दूसरे एक इलेक्ट्रिक
किसी बैटरी से इसे कनेक्ट करता हूँ, सपोज दैट इज़ पॉजिटिव दैट इज़ नेगेटिव, तो हमें पता है कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो करंट सपोज इज आई। लेकिन आप देखेंगे ये जो आपके पास ये जो पॉइंट है पॉइंट ए पर क्या है, हमारे पास दो रास्ते हैं, टू पाथ्स हैं, तो करंट कैन फ्लो इधर दिस वे और दिस वे और इन बोथ वेज, राइट। सो करंट एक्चुअली चूजेस इट्स क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ। इफ रेजिस्टेंस इज मोर करंट वुड बी लेस, इफ रेजिस्टेंस इज लेस करंट वुड बी मोर। तो ज़्यादा करंट होगा अगर आप पे रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, कोशिश करता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उस पाथ से जहाँ पर रेजिस्टेंस है उसको वो रोकने की कोशिश करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा सपोज, तो आपको क्या होगा, करंट ज़्यादा इसमें कम फ्लो होगा, इसमें कम है रेजिस्टेंस तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, जो करंट होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर भी यहाँ पर, क्योंकि सेम करंट सेम रेजिस्टेंस है, तो जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट नीचे से जाएगा। ओके, तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास एक्चुअली तीन रेजिस्टेंस दिया है, R1, R2 और R3, और तीनों कितने के हैं, 9 ओम के हैं। तो ओम बेसिकली एक यूनिट होता है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो हम करने की क्या कोशिश करेंगे, 9 ओम रेजिस्टेंस हम यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। मान लीजिए 9 ओम है, राइट, और ये हमारे पास 9 ओम है, और हम देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हमें पता है जब पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस होता है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R1, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, EQE हम ले सकते हैं, वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/RN। तो इस केस में हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस है, तो उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है जो कि 9 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है जो कि 9 ओम का है, राइट। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि हम अगर इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं, तो ये जो R की वैल्यू होना चाहिए R1 और R2 का एडिशन के इक्वल होना चाहिए, जो कि इन दोनों के व्युत्क्रम के इक्वल होगा, यानी कि इसका इन्वर्ट आप करेंगे देन ऐड करेंगे, मीन्स 1/R जो होना चाहिए, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कौन R1 प्लस 1/R2 होना चाहिए, राइट। ये इनका व्युत्क्रम है, मीन्स इन्वर्ट करना है उसको, आप इन्वर्ट करेंगे तो ये जो आपके पास 1/R होना चाहिए 1/9, बिकॉज R1 इज 9, सेकेंड R2 इज ऑल्सो 9, तो इनका हम जब LCM लेते हैं 9 आएगा, 1+1 तो दैट इज 2/9, बट दिस इज 1/R, सो R इज इक्वल टू 9/2, इसका उल्टा कर देंगे आप तो दैट इज इक्वल टू 4.5 ओम। हमें पता चल गया अगर 9 ओम को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पाशरु क्रम में रखते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट वो 4.9 आता है, 4.5 आता है, राइट। अब हम देखते हैं इसको अगर हम सीरीज में करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, तो क्या आता है, राइट। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज, या हम कहेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक। तो इस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो इस तरह से होता है, तो R1 और R2 को हम श्रेणीकरण तरीके से ऐसे रखते हैं, और अगर हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं अगर, तो पॉजिटिव करंट ऐसे फ्लो होता है और हमें साफ नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें एक ही पाथ है जिससे करंट फ्लो करेगा, तो जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा, और इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो 1/R मीन्स R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। सिंपली आपको ऐड करना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस केस में अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सपोज दिस R1 इज 9 एंड दिस R2 इज ऑल्सो 9, तो दैट वुड बी 9 प्लस 9 विच इज 18, तो आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 18 ओम हो जाएगा, राइट। ये हमने कोशिश करी कि अगर हम उसे श्रेणी क्रम में रखते हैं, यानी कि सीरीज में रखते हैं, या आपने देखा पार्श्व क्रम में रखते हैं, पैरेलल में रखते हैं, तो क्या है, अगर पैरेलल में रखते हैं तो आपने देखा कि जो आप अगर इक्विवेलेंट इक्वल रेजिस्टेंस हैं तो उनको ऐड करने पर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐड करने पर जो R आता है वो हाफ आता है, 9 का हाफ हो जाता है 4.5, इस केस में वो डबल हो जाता है 9 का एडिशन होने के, 9 18 हो जाता है, राइट। तो इनको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में जो
आंसर है उसे फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आपके इसमें देखा है कि फोर आपको कितना चाहिए रेजिस्टेंस, 13.5 चाहिए, राइट। तो हमें पता है अगर 9 और 9 को ऐड करते हैं पाशरुक्रम में, मींस पैरेलल में, तो कितना आता है। तो हमने एक चीज़ हमें पता चल गया कि अगर हम पैरेलल में रखते हैं 9 ओम को और 9 ओम को, तो एडिशन होने के बाद जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 4.5 ओम, राइट। ये हमें पता चल गया। और हमें ये भी पता चल गया कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में रखते हैं, मींस अगर आप ये 9 है ये 9 है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है वो आ जाता है 18 ओम, राइट। तो हमें ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या दिया था, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया था हमारे पास कि आपको ज्वाइन करना है 3 रेजिस्टर्स को। आप ध्यान से देखेंगे 3 रेजिस्टर्स को ज्वाइन करना है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, राइट। तो हमें फर्स्ट जो निकालना था, फर्स्ट आंसर हमें क्या निकालना है, 13.5 ओम का निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो 13.4 3 को ऐड करके क्या होगा, हमें पता है अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 4.5 यहाँ से आ गया, और सिंपली एक 9 लगाते हैं तो 9 एंड 4.5 होता है 13.5, लेट वी नो। तो हमें पता लग गया कि अगर एक रेजिस्टेंस हमने 9 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस 9 ओम का कैसे जोड़ा है, पाशरुक्रम में अगर जोड़ा है, तो इनका जो रेजिस्टेंस आता है टोटल वो आता है 4.5। हम ये करके देख चुके हैं यहाँ पर, राइट। तो ये 4.5 हो गया। और सिंपली थर्ड जो आपके पास R है, अगर 9 ओम इसमें सीरीज़ में जोड़ देते हैं तो 4.5 और 9 हमें पता है सीरीज़ में क्या होता है, सिंपली ऐड होता है। तो 9 में अगर ये 4.5 ऐड हो जाएगा तो टोटल आपके पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 13.5 का आ जाएगा, राइट। तो ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। तो कैसे किया हमने, दो रेजिस्टेंस को हमें पाशरुक्रम में जोड़ना है यानी कि पैरेलल में जोड़ना है, और जो थर्ड बच गया है उसको हमें सीरीज़ में जोड़ना है। सीरीज़ में हम सिंपली आप ऐड करते हैं, तो कहने का मतलब ये है ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, तो ये जो हमारा इक्विवेलेंट हुआ हमें पता है इनको सिंपली अगर हम पाशरुक्रम में जोड़ते हैं तो 9 और 9 जोड़ने पर 4.5 आता है, जो हम यहाँ देख चुके हैं, राइट। ऊपर देख चुके हैं कितने ओम आता है, जबकि एक 9 ओम का है, राइट। तो सिंपली हमने तीन, ये एक्चुअली दो से बना है 4.5 और ये एक है, तो इन दोनों का हमें कैसे जोड़ना है, सिंपली सीरीज़ में जोड़ना है। सीरीज़ में आप इन दोनों को जस्ट ऐड करेंगे, 4.5 प्लस 9 तो 13.5 ओम आ जाएगा। तो ये जो आपके पास आएगा इक्विवेलेंट वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 13.5। तो आपका जो पहला है क्वेश्चन 13.5 लाने के लिए वो इस तरह से आ गया, ओके, राइट। तो आप इसमें देखेंगे 13.5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है 6 ओम आपको लेना, तो 6 ओम आप सिंपली निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, या सिंपली आप तरीके से, हमारे पास कई सारे तरीके हैं, हम कोशिश करते हैं निकालने की, राइट। तो आप देखेंगे 6 ओम, अगर आप सेकंड पार्ट इसका लेते हैं तो हमें लाना है 6 ओम। किस तरह से 6 ओम आ सकता है, आप ये देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो है केवल 3 ही हैं, तो 6 ओम आने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना है, केवल 6 ही लाने की कोशिश करनी है। तो आपको अगर 6 लाने की कोशिश करना है, हमें पता है एक है 9 का, 9 ओम का, राइट, दूसरा भी 9 ओम का है, तीसरा भी 9 ओम का है। अब इसको लाने के हमारे कई तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तरीका हमें पता है अगर हम तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं, मान लीजिए आपके पास ये 9 ओम है, ये भी हमारे 9 ओम है, हमें पता है 4.5 आता है, राइट। और 4.5 के बाद अगर हम ये भी एक और 9 ओम का जोड़ते हैं, तो अगर आप देखेंगे क्योंकि पाशरुक्रम में है यानी कि पैरेलल में है, तो सिंपली आप 9/9 प्लस 1/9, क्योंकि हमारे पाशरुक्रम के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सोन, ऐसे था। तो यहाँ तीनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 आएगा, जो कि हो जाता है 3/9। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए वो हो जाएगा 9/3 यानी कि 3। और ऐसा ही अगर हम दूसरा कनेक्ट कर दें, तो 3 यहाँ से आया, दूसरा भी 3 आएगा, तो दैट वुड बी 6, 6 हो जाएगा आपके पास। जैसे हमारे पास एक और हम यहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 3 ओम आ रहा है, हमने यहाँ देख लिया। सिमिलरली अगर यहाँ 3 हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, तो ये भी 9 का है, 9 का है, 9 का है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 ये हो गया, 3 हो गया, तो सिंपली सीरीज़ में हो गया,
तो कहने का मतलब ये है, इसको जब हमने किया तो ये आ गया 3, और ये जो हमने किया इसको सॉल्यूशन 3 3 3 को पैरेलल में, तो ये भी आ गया 3। तो सिंपली आपके पास ये जो दो आ गए सीरीज़ में आ गए, दोनों को जस्ट ऐड करना है, तो दैट विल मेक इक्वल टू 6 ओम। तो हमारे पास 6 ओम या इस तरह से आ गया, राइट। एक तो आपके पास ये हमारे पास तरीका आ गया। तो इस तरह से हम 6 ओम और जो पहले 13.5 ओम है दोनों को हमने निकाल लिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे 6 में ही और के बाद क्वेश्चन नंबर जूल्स हीटिंग के बाद जो बी पार्ट है, ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें दिया गया है 2 लैंप्स आपको दिए गए हैं, 1 rated 100 watt एंड 220 watt, अदर 60 watt एंड 220 watt आर कनेक्टेड इन पैरेलल पैनल में कनेक्ट किया गया है टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब, दोनों को कितना करंट जा रहा है आपको फाइंड आउट करना है इन द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज दिस। तो ये आपकी वोल्टेज सप्लाई है। हिंदी में देखेंगे तो आपको लिखा है 2 विद्युत लैंप दिए गए हैं जिसका अनुमंतांक आपको दिया हुआ है इतना और इतना, मीन्स ये रीडिंग है इसकी जो कि इसमें लिखा हुआ है, रेटेड ये इसकी रेटिंग है, दूसरे का रेटिंग ये है, उसको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है और दोनों में करंट फाइंड आउट करना है अगर इसको इससे आपूर्ति वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ा जाए। तो इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो सिक्स का हम देखेंगे अथवा के बाद है, तो आपको एक बल्ब दिया है, सपोज ये एक बल्ब है, राइट, दूसरा बल्ब दिया हुआ है, इसकी जो रेटिंग दिया है फर्स्ट बल्ब का, फर्स्ट बल्ब सेकंड बल्ब, तो फर्स्ट बल्ब की जो रेटिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 वाट और 220 वोल्ट। तो बेसिकली जब वोल्ट आता है ये आपकी वोल्टेज है V1 हम मान रहे हैं, और ये आपकी W वाट मीन्स पावर में है, तो इलेक्ट्रिक पावर P1 मान रहे हैं। सिमिलरली इसका जो दिया हुआ है वो 60 वाट दिया है और 220 वोल्ट दिया है, तो इसको हम P2 मान लेते हैं, ये आपके पास P वोल्टेज V1 है, राइट। और इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। सपोज मैं इसको इक्विवेलेंटली सिंपली एक रेजिस्टेंस से बताता हूँ, दैट इज R2, और इसको मैं बता रहा हूँ सिंपली एक रेजिस्टेंस से R1 से। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों जो बल्ब्स हैं इनमें कितनी प्रतिरोधकता है, इसमें कितना रेजिस्टेंस है, तो वो फाइंड आउट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमें पता है जो पावर होता है वो V2/R होता है, V×I होता है, या I²×R होता है। तो हमें बेसिकली वोल्टेज और देखेंगे वोल्टेज और पावर दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने, राइट। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू दिया हुआ है वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय पी। तो अगर हम फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं R1, तो बेसिकली V1² डिवाइड बाय P1 होना चाहिए, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, V1 देखेंगे 220 है, तो 220 का आप स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय 100, तो 220×220 डिवाइड बाय 100। तो आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ये कितना आता है। तो बेसिकली हम इसमें इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये 2 0 आपने यहाँ पर काट दिया और 22 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट वुड बी 4 and 4 4 4 4 8 4, सो दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 484 एंड दैट इज रेजिस्टेंस, सो दैट वुड बी ओम, राइट। तो आपका पहला ओम आ गया, पहला रेजिस्टेंस आ गया बल्ब का। सिमिलरली आप सेकेंड रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसी फॉर्मूले को यूज़ करके। तो आपके पास जो पहला रेजिस्टेंस आया R1 वो आ गया 484 ओम, राइट। ऐसे आप इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें आपका जो R2 आएगा सिमिलरली V2² डिवाइड बाई P2 है, और V2 हम देख चुके हैं फॉर्मूले में कितना आ रहा है, तो हमारे पास देखेंगे जो V2 है हमारे पास है
आपको 220 है, जबकि पावर जो है P2 60 है. तो 220 अगेन स्क्वायर डिवाइड बाई 60. तो इसको फाइंड आउट करते हैं हम, 220 डिवाइड बाई 60. तो ये आपका सेकंड का डिस्टेंस है. तो अब हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं. जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, सेकंड पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और हम फाइंड आउट करना है कि दोनों में कितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट. तो आपके पास जो सेकंड डिस्टेंस आ गया वो 86.67 ओम आ, राइट. तो हमने इन दोनों को जो हमें जो बल्ब दिए हुए हैं R1 और R2 को बताया है. तो मान लीजिए आपके पास ये एक R1 है जो बल्ब लगा है, जिसका रेजिस्टेंस R1 है. इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, पार्श्व क्रम में रखा है R2 बल्ब के साथ, और एक पावर सप्लाई से करंट हमने फ्लो कराई है. तो वो जो पावर सप्लाई है उसकी जो वोल्टेज है वो दिया है 220 वोल्ट. तो हमें पता है ये दोनों जो आपके, सबसे पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को I मान लेते हैं. और यहाँ पर आके करंट डिवाइड हो जाता है, मान लीजिए ऊपर करंट I बन जा रहा है, तो नीचे जो करंट जाएगा वो बची हुई करंट जाएगी, यानी कि I माइनस में I1 इसमें चला जाएगा. पहले हम कोशिश करेंगे I करंट कितना है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. I1 निकल जाएगा तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें पता है ये दोनों डिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो हम निकालेंगे. तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्योंकि पैरेलल में है, हमें पता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है. कैलकुलेटर में बार बार एक्चुअली वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैं कैलकुलेटर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था. तो कैलकुलेटर अभी मुझे मिल चुका है और हम कोशिश करेंगे इसे जल्दी से जल्दी करने के लिए. तो हम देखते हैं इसमें जो टोटल डिस्टेंस होता है वो हमारे पास कितना आता है. तो वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और आर निकालने की कोशिश करते हैं. तो हम देखते हैं कितना आता है. तो ये जो मेरे पास आ रहा है ये मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कैलकुलेटर से, विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर. तो ये हमारे पास इस तरह से आता है, 1/1 रेजिस्टेंस इज दिस वन 484 एंड अदर रेजिस्टेंस इज 86.67. सो एंड देन 1/ the answer. So the total distance here, equivalent distance would be approximately 73.50. ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा. एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि जो टोटल डिस्टेंस आ गया 73.50 आ गया. तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे पास करंट कितना है. तो ये जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है 73.50 आ गया ओम, और जो करंट है हमें फाइंड आउट करना है, जबकि वोल्टेज हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट. तो हमें पता है इजीली कि वोल्टेज इक्वल टू I × R होता है. तो आपको I हमें निकालना है जबकि V/R है. तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा I का वो 220 डिवाइड बाई R होना चाहिए, विच इज 73.50. उसको फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये हमारे पास आता है 2.99 अप्रोक्सीमेटली, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 एम्पियर. तो ए है, ए इज़ द यूनिट ऑफ
current which is ampere. So A here is ampere, right? तो हमें पता चल गया यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो 3 एम्पियर के अराउंड कर रहा है, तो दूसरा करंट क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सर्किट में दो बल्ब्स हैं, एक रेजिस्टेंस R1 है जो कि हम देख चुके हैं 484 ओम का है, दूसरा एक रेजिस्टेंस R2 है जो हम निकाल चुके हैं 86.67 ओम का है, और अभी हमने फाइंड आउट किया कि जो हमारे पास करंट फ्लो कर रही है I, वो आ रहा है आपके पास जो आपका सॉरी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है, रेजिस्टेंस है आपके पास जो इक्विवेलेंस है 73.5 है, और जो करंट हमने फाइंड आउट किया वो अप्रोक्सीमेटली 3 एम्पियर के अराउंड है, राइट। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि इस पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। हमने बताया यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है I1 था, जबकि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा था I-I1 हो जाता था। अब होता ये है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनमें वोल्टेज सेम होती है, ये आपका नियम है, सिंपली आपको ध्यान रखना है। तो आपके यहाँ पर जो वोल्टेज है यानी कि R1 रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है और R2 रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो सेम होता है, यानी कि वोल्टेज इन R1 इक्वल होता है वोल्टेज इन R2। तो वोल्टेज हमें पता है करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर जो करंट है वो I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, नीचे जो करंट है वो I-I1 है और रेजिस्टेंस R2। तो इसकी सारी वैल्यूज हम फाइनल लिखेंगे और I1 निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है जो I1 है हमें नहीं पता, सिंपली लिख देंगे R1 की वैल्यू हमारे पास 484 है, I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 आया है, और R2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अगर आप देखेंगे R2 हमारा 86.67 है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, I1 हमारा निकल जाएगा। तो आता है 84 I1 260.01 minus 86.67 I1 which is 570 I1 260.01। सो I1 जो हमारे पास आ गया है 260.01 डिवाइड बाय 570 आ जाता है, विच इज़ नथिंग बट 0.456 एम्पियर। तो आपके पास ये करंट आ गया इतना एम्पियर। तो सेकंड, ये जो एम्पियर करंट है ये I1 में आपने जो सर्किट बनाया था, ये जो करंट है वो R1 में से फ्लो कर रहा है, तो R2 में से कितना करंट फ्लो कर रहा था हमने देखा था पहले। तो करंट इन R2 जो था वो हमारे पास I माइनस में I1 था, तो I हमारे पास 3 एम्पियर था और ये 45.456 के अराउंड आया एम्पियर। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2.544 एम्पियर के अराउंड आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो सर्किट है इस तरह से है, R1 जो था जो कि 484 एम्पियर था और दूसरा R2 था जो कि 73 पॉइंट समथिंग था, 73 जो भी था मतलब, तो उस केस में हमारे जो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा था ये I1 था जिसको हमने फाइंड आउट किया 0.456 आया, और यहाँ जो करंट था वो I-I1 था जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 2.544 एम्पियर। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि अगर दो हम लैंप्स को रखते हैं, बेसिकली ये लैंप की जगह हमने बल्ब की जगह हमने R1 लिख दिया है और सेकंड जो बल्ब है उसकी जगह R2 रखा है,
तो जो वैल्यूज हमारे पास आई है अपर बल्ब में जो फ्लो हो रहा है वो उसकी जो करंट है 0.456 एम्पियर है और नीचे 2.544 एम्पियर है। तो अभी हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, इसको फिनिश करेंगे और स्टॉप करके अगर हम आगे भी इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें इसके लिए बेल आइकन को दबा लें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।